जयपुर में 40 लाख लोगों को नहीं मिलेगा बीसलपुर से पानी, क्या है कारण, आइए जानते हैं। जयपुर शहर की 40 लाख से अधिक आबादी को एक दिन पेयजल आपूर्ति से महरूम रहना पड़ेगा। ऐसे में उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि पानी को सहेज कर रखें और किफायत से इस्तेमाल करें। जलदाय विभाग आगामी गर्मियों में पेयजल व्यवस्था सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बीसलपुर जयपुर परियोजना का वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करेगा। इसके चलते 4 फरवरी को शाम 4 बजे से 24 घंटे के लिए जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद रखी जाएगी, यानी 6 फरवरी से ही पेयजल आपूर्ति सुचारू होगी। जलदाय विभाग का दावा है कि 3 फरवरी से 4 फरवरी की शाम 4 बजे तक आपूर्ति के दौरान 10% पेयजल अतिरिक्त दिया जाएगा। उपभोक्ता अतिरिक्त पानी को सहेज कर रखें ताकि उसे उपयोग आपूर्ति बंद रहने के दौरान किया जा सके। बता दें कि जयपुर शहर को बीसलपुर परियोजना के 440 mm पानी दिया जा रहा है और अभी 480 ml कर दिया जाएगा। ऐसे में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति का पानी ही सिस्टम बंद रहने के दौरान काम आ सकेगा। जलदाय विभाग का ये भी कहना है कि जब संपूर्ण जयपुर में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी तो लोगों को अतिरिक्त पानी ही एकत्रित करके रखना होगा, लेकिन जहां ज्यादा परेशानी रहेगी वहां जलदाय विभाग सरकारी टैंकरों में पेयजल आपूर्ति कर सकेगा। उधर सुधारू कार्य के दौरान पाइपलाइन का भी ठीक किया जाएगा, साथ ही कई तरह के वॉल्व बदले जाएंगे ताकि गर्मियों के दौरान उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े।